फ्रेंड इस तरीके से आपको पुराना या नया गैस चूल्हा ले लेना है। देखिए ये मैंने ले लिया और इसमें जो भी बर्नर और ये सब लगा हुआ था इसका सामान वो सब मैंने निकाल लिया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए पहले से ही मैंने निकाल के रख दिया। ठीक है तो आपको भी ये कर देना है। अब एक हीटर का प्लेट लूँगा देखिए इस तरीके का। ठीक है ये मार्केट में आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगा। तो मेरे पास पुराना हीटर का कोयल था तो मैंने ले लिया। अब एक मार्कर लूँगा और मार्कर से मार्किंग कर दूँगा इस तरीके। देखिए इस तरीके से मार्कर से मैंने मार्किंग कर दिया। अब इसको मैं ग्राइंडर से काट दूंगा। ठीक है फ्रेंड अब हैंड ग्राइंडर लूँगा और जो मार्किंग किया है उसको मैं काट दूंगा। ठीक है तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपको काट देना है। देखिए दोस्तों इसको ये थोड़ा एमरी पेपर से या इससे थोड़ा थोड़ा घिस दूंगा। ठीक है कि हाथ में नहीं लगे। अब साइन पेपर लूँगा उससे थोड़ा थोड़ा इसको घिस दूंगा। देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपको कर देना। ठीक है अब इसको बंद और चालू करने के लिए एक स्विच लगाएंगे। तो स्विच की मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है इस तरीके से मार्किंग करके इसको भी काट लेता हूँ। ठीक देखिए इस तरीके से काट दूंगा। अब मैं स्विच को लगा के देखूंगा। ठीक है देखिए देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको फिट कर दूंगा। ठीक है तो इसको फिट करने के लिए मैं ड्रिल मशीन लूँगा। अब दोस्तों इसके इंडिकेशन के लिए कि हीटर अपना ऑन है या ऑफ़ है उसके लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन लगा दूंगा। ठीक है इस तरीके से तो उसके लिए ये होल थोड़ा छोटा है तो इसको मैं बड़ा कर लूँगा ड्रिल मशीन की मदद से इसको बड़ा कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके मैं स्विच को लगाऊँगा तो मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है मार्कर से मार्किंग कर लेता हूँ। अब ये स्विच को दोस्तों अभी स्क्रू लूँगा इस तरीके से। अब एक होल और कर दूँगा इसमें। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने स्विच को फिट कर दिया। दोस्तों अब हीटर की प्लेट को मैं इसमें फिट करूँगा। ठीक इस तरीके से अंदर से फिट करूँगा मैं। देखिए इस तरीके से मैं फिट करूँगा तो इसके सपोर्ट के लिए नीचे मैं देखिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए मैं इस तरीके की पट्टी ले लूँगा। देखिए ये टीन का पट्टी है तो इस तरीके से पट्टी को कर दूँगा। देखिए ठीक है देखिए दोस्तों इस तरीके से दो पट्टी ले लूँगा। ठीक है इसको मैं काट लेता हूँ। देखिए दोस्तों अब एक पट्टी होगा एक पट्टी और ले लूँगा। इस तरीके से दो पट्टी ले लूँगा। देखिए दोस्तों अब इसमें होल कर दूँगा। ठीक है तो एक होल पहले से ही है तो एक होल इसके सामने कर देता हूँ। ठीक है ठीक है एक होल इसके सामने कर दिया। अब इस तरीके से पीछे की तरफ से पट्टी लगा दूँगा। ठीक है एक मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है इस एक होल इसके सामने आ जाएगा। इस तरीके से मैंने चार होल कर दिए। ठीक है अब इस हीटर की कोइल को मैं इस तरीके से लगा दूँगा। अब इस पट्टी को मैं इसमें होल करके इस तरीके से लगा दूँगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने सपोर्ट पट्टी लगा दिया। ठीक है अब इसके कारण हमारा हीटर नीचे नहीं जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको कर दूंगा। देखिए ठीक है कुछ इस तरीके से ये फिट हो गया। देखिए और इस तरीके से हमारा स्विच भी फिटिंग हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों एक इंडिकेशन लैंप लेंगे। देखिए आपको मार्केट में 30 से 40 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है ये 220 वोल्ट का इंडिकेशन लाइट है। ठीक है तो इसको इस तरीके से इसमें लगा देंगे। ठीक है देखिए और इसको पीछे से फिट कर देंगे। देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये फिटिंग हो गया। देखिए दीजिए कुछ अब इसका कोइल लूँगा। देखिए इस तरीके से पुराना कोइल है तो पुराना ही कोइल लगा देता हूँ। ठीक है तो इस तरीके से कोइल लूँगा और इसको माउंट कर दूँगा। देखिए इस तरीके देखिए ये कोइल माउंट हो गया। अब इसका कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन के लिए मैं करेंगे तो इनकमिंग सप्लाई के लिए मैं 2.5 square mm का वायर ले लूँगा इस तरीके से। ठीक है देखिए 2.5 का वायर ले लूँगा। अब इनका स्विच का और इंडिकेशन का कनेक्शन के लिए मैं 2 वायर ले लूँगा इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से इसका कनेक्शन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है तो इनकमिंग वायर लेना है और उसको सबसे पहले स्विच के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना है।
स्विच के एक पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वायर में ये इंडिकेशन है उससे कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। दूसरा वायर इससे कनेक्ट कर दिया, अब एक रेड वायर लूँगा इस तरीके से। देखिए अब रेड वायर लूँगा, उसको स्विच के दूसरा वाला पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर दिया, अब इसको कट कर लूँगा। ठीक है, इनको दोनों को ट्विस्ट कर लूँगा। अब इंडिकेशन का दूसरा वाला पॉइंट है उसमें इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये वायर निकल गया। अब एक वायर का टुकड़ा लूँगा, उसको इंडिकेशन के ये वाला जो वायर लगा है उसमें इस तरीके से लगा दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वायर है उसको हीटर के दो पॉइंट है उससे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये वायर के दो पॉइंट है उसमें ये टू पिन को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। फ्रेंड ये रेडी हो गया हमारा बिना गैस का चूल्हा, तो आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। तो उसका स्टैंड ले लेता हूँ इस तरीके से। देखिए ये स्टैंड भी फिट हो गया इस। दोस्तों जो मैंने ग्रीन वाला इंडिकेशन लाइट लगाया था वो ख़राब था, तो मैंने इसको निकाल के ये रेड वाला लगा दिया। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ। अब मैं जैसे स्विच को ऑन करूँगा तो हीटर अपना ऑन होना चाहिए। देखिए अब इस जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो हीटर अपना ऑन हो गया और इंडिकेशन लाइट भी जल गया। देखिए ये इंडिकेशन लाइट भी जल गया, देखिए धुआं निकल रहा है। देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने लाइव है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन है तो एक वायर लेना है, उसको अर्थिंग से कनेक्ट करके इस बॉडी से किधर भी कनेक्ट कर देना है, तो ये सेफ्टी रहेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं इसमें लगा देता हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं इस पानी को आपको गर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड किस तरीके से ये पानी गर्म हो गया, देखिए कितना हीट हो गया। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।